और श्रोताओं आइए अब हम बातचीत करते हैं पंकज मित्तल जी से। हम आपको भोपाल लिए चल रहे हैं। पंकज मित्तल जी मुख्यमंत्री जी के प्रेस अधिकारी हैं। पंकज जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया एकदम। राजधानी में हैं और मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार हैं, आपके पास काफी जानकारी होगी और हम आपकी जानकारी से हमारे तमाम श्रोता इस वक्त मध्य प्रदेश के सभी केंद्र से ये प्रोग्राम एक साथ प्रसारित हो रहा है जी। तो आपके माध्यम से जो कोरोना से संबंधित जानकारी है वो हम तमाम श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे। जी जी। देखिए कोरोना के विरुद्ध युद्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में प्रदेश बिल्कुल कड़ी लड़ाई लड़ रहा है और बहुत ही जल्दी हम जो है कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। और लड़ाई हमारी दो उसके मुख्य पार्ट हैं। एक तो यह है कि सूचनाएं का संप्रेषण के लिए हमने सशक्त माध्यम एक बनाया हुआ है जिससे लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं, कोरोना के संबंध में अवेयर किया जा रहा है और उनको मदद दी जा रही है। दो हेल्पलाइन नंबर्स हमारे बड़े 181 और 104 हमारे दो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन पर कोई भी व्यक्ति फोन कर सकता है, अपनी शिकायतों का निवारण कर सकता है, जानकारियां प्राप्त कर सकता है। स्वास्थ्य हेल्पलाइन है और इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनमें गरीब लोग और परेशान लोग हैं उनके भोजन के लिए भी मध्य प्रदेश शासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। एक फूड हेल्पलाइन हमारे यहाँ बड़ा अच्छा काम कर रही है, उसका नंबर है 1800-2332-797। मैं रिपीट करूंगा 1800-2332-797। इस फूड हेल्पलाइन की मदद से भी कोई भी व्यक्ति वहां कॉल कर सकता है, उसको भोजन की व्यवस्था, वो जहां रह रहे हैं वहीं पर उनको भोजन की व्यवस्था की जा रही है। और बार बार नागरिकों को ये संदेश दिया जा रहा है कि आप घर पर रहें, आपकी चिंता मध्य प्रदेश शासन करेगा, आपको अपने घरों पर फल सब्जी दूध दवाई जो भी आपकी आवश्यकता है जिला प्रशासन के माध्यम से आप तक उपलब्ध कराई जा रही है। आप घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बार बार हाथ धोएं और हाथों को मुंह से नाक से न लगाएं, इस तरीके से आप पूरी सावधानियां बरतें और बहुत जल्दी हम इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निश्चित रूप से सफल होंगे। मित्तल साहब आपसे जानना चाहेंगे हम कि मुख्यमंत्री महोदय और उनकी पूरी टीम आप सब जिस तरह से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो अपने आप को कैसे संभाल पाते हैं, घर को कितना वक्त दे पा रहे हैं आप लोग? देखिए मैडम ये तो एक युद्ध है, ये मान के चलिए युद्ध है, युद्ध की भावना से ही लगना पड़ रहा है जी। लगातार मुख्यमंत्री जी स्वयं सवेरे से लेकर रात तक लगे रहते हैं, उनका सारा स्टाफ लगा रहता है और वो भी पूरी सावधानी के साथ में, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजर का प्रयोग है, सैनिटाइजिंग टनल्स हैं, तो पूरी पूरी सावधानी रखना और युद्ध करना है, ये दोहरा चैलेंज है। एक तो लगातार पूरी सावधानियां रखना कोरोना से बचाव की और फिर पूरा मेहनत करना जिससे कि प्रदेश को हम इस संकट से बहुत जल्दी बाहर निकाल पाए। मित्तल साहब क्या कोई जानकारी अभी मध्य प्रदेश में है कि लॉकडाउन कब तक रहेगा, आगे बढ़ेगा या खत्म हो जाएगा, ऑफिशियली कुछ अनाउंस हुआ है? देखिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भी निर्देश हैं उन निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई होगी और राज्य शासन ने भी अपने भी स्थितियों से अवगत करा दिया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप ही मध्य प्रदेश में आगामी कार्रवाई की जाएगी जी। मित्तल साहब आप खुद रंगमंच से जुड़े हुए हैं और गीत संगीत का भी शौक रखते हैं, आप एक खुद बहुत अच्छे गायक भी हैं, इस वक्त तनाव को थोड़ा सा कम करते हैं और हम जानना चाहेंगे कि कोई आपकी पसंद का गीत जो आप इस वक्त आप भी सुनना चाहें और हमारे तमाम श्रोता भी इस वक्त सुनना चाहें। देखिए दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, सब सुरक्षित रहें, क्या रहे कोरोना से बाहर निकले जी, और आशाओं के साथ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का ये आशा भरा गीत। धन्यवाद संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद।